अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो यार आज के व्लॉग नाइट में बन रहे हैं, उसकी खास वजह, और खास वजह क्या है पता है क्या? ये हमारे यहाँ आजकल लाइट बहुत जा रही, इतनी जा रही है ना कराची में, आज से ज़्यादा लाइट जा रही है। ये सब शोर क्यों कर रहे हैं? ये सारे बंद किए हुए थे शाम ने, वही सबको बंद किया हुआ है। ये चूजे को यहाँ बंद किया हुआ, सही है। सिल्की मुर्गी यहाँ, बत्तख यहाँ, तोते यहाँ, तोते अपने अपने इबादत गाँव में मशहूर है। सारे भाई सारे यहीं पे है ना, माशाल्लाह सारे यहीं पे ही है। टर्की वहाँ बंद है, मुर्गी यहाँ बंद है, गिनी फोल ये भी हो, एक मुर्गी अकेली वहाँ बंद है। तो यार सब मशहूल है, लेकिन यार आजकल कायदे आदम को जो शेर था ना, आप अपने इबादत गाँव में मशहूल है, बिल्कुल नहीं है यार। रमज़ान का महीना और लाइट लेके गए मैं, के ये देखे खड्डे में गिर गया तुम्हें यार। माशाल्लाह बकरियाँ वगैरह फुल टाइट होके खा रही हैं। बबलू यार हमारे खल वगैरह बड़े शौक से नहीं खाते, तो इसके लिए हम लाए कचरा, वो कचरा इसको देते हैं। ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये कुर्सी थोड़ी सी साफ करते हैं, इस पर फेंक देंगे इसको। ये कुर्सी भी भाई हमारे आगे दुकान है उसकी, और मैं ऐसे शराफत से इस कुर्सी को गंदा करूँ जैसे कि मेरे घर से लाए। इधर आओ, ये जो खरबूजे का छिलका है ना, ये बबलू खा तो लेगा। अबे यार ये फाड़ रखे हुए बबलू, ये खरबूजे का छिलका है ना, ये पहली फुर्सत में हम उठा लेते हैं और इसको रख देते हैं किधर पता है, एक इधर, क्योंकि नहीं इसकी ख़ास वजह क्या है पता है? ये बबलू खा नहीं पाएगा, ये गिरा देगा। ये फेंक दिए ना कोई आधे से ज़्यादा, तो इसमें ये देखें एक दूसरा छिलका भी है, ये भी इसने तो फेंक दिए। ये चार इधर रखते हैं, ये हम बड़ी बकरियों को काट काट के खिला देंगे, वो जितने इसको शौक से खाएंगे उतना मुश्किल है कि बबलू खाए, क्योंकि ये इसका छिलका जो होता है ना शायद वो बहुत बड़ा होता है। बबलू आधे से आधा गंदा करके मिट्टी में फेंक देते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए ये आधे से उसमें फेंकते हैं। तो और भी लोग और भी थैलियाँ वो भी इसको डालते हैं, तब तक कैमरा बंद करते हैं। तो यार अभी अभी इनको नहीं है, बबलू को कचरा काट के दिए, ये देखें ये बड़े शौक शौक से लगा हुआ, जो नीचे घर रहे वो खरगोश काम मुका रहे। लेकिन एक बात बताऊँ, जितना जानवर खाते हुए अच्छा लगता है ना, उतना मेरे को किसी चीज़ में अच्छा नहीं लगता। अब ये देख रहे माशाल्लाह आधे से ज़्यादा इन लोगों ने लिपटा दिया। आज ये लोग इसलिए इस शौक से खा रहे ना क्योंकि मैंने इनको नहीं वो नहीं डाला भूसा, भूसा ये लोग शौक से नहीं खाते, थोड़ा सा ले जाते हैं बत्तख को डालते हैं। बत्तख खाएगी, देखते हैं क्या करते हैं। ये लो खा भी हो गए माशाल्लाह भाई, बत्तखें भी फुल हड़प भी हैं, खाओ खाओ खाओ। ओके इनके लिए मैं और लाता हूँ। ओके क्यों, इनके बकरियों के साथ आज बहुत सारा है। ओके देखे आते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यार मैं बकरियों के लिए आज नहीं है, फ्रूट वाले के पास गया था, ओके मैं आपको दिखाता भी यार। बत्तखें माशाल्लाह खाते हो, खाओ खाओ खाओ। इसको कर देते हैं बन। तो यार माशाल्लाह से जितने नहीं है, जितना ये लोग बत्तखें शौक से खाती हैं और ये खल, और जितना बकरियाँ शौक से खाती हैं ना, उतना बबलू भी नहीं खाता शौक से। तो यार अभी मैं आपको खरबूजा ला के दिखाता हूँ, मैं इतना बड़ा खरबूजा लाया हूँ बकरियों के लिए, सही है, वो मैं इनको कल दूँगा, क्योंकि आज इनको मैंने बहुत सारा दे दिया। इसका पेट देखें इतना है, फूल हुआ है, बिल्कुल फट रहा है, ये देखें वहाँ से बिल्कुल, ये क्यों ये उसको थोड़ा आगे कर देते हैं, ये लोग खाओ खाओ। तो माशाल्लाह ये इसलिए फट रहा है ना क्योंकि इसके पेट में बच्चे भी हैं, इनका भी नहीं फट रहा, इसका भी नहीं फट रहा, इसका तो बिल्कुल फटता ही नहीं है यार। इसको भी इंशाल्लाह का बस कम दिन रह गए, इसको भी हम लेके जाने वाले गंजा करवाने। तो इसको गंजा कराएंगे, गंदी हो गई ये पीछे से देख रहे हैं, ये इतनी जल्दी गंदी नहीं होती, सही है देखें, वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, देखें इसकी हरकतें चेक करें। ओके ओके मैं ये दे देता हूँ, ये मैं देता हूँ, लेकिन ये मैं काट के दूँगा, ऐसे वैसे नहीं दूँगा। ये ले लो भाई, ये सेब का छिनका खाएगी। तो ये मैं भी इनको काट के वापस उसमें डालता हूँ, या अंदर बार और कचरा ही पड़ा है वो भी इनको डालता हूँ। भाई बबलू वो निकल गए बाहर। तो यार फाइनली यार इन बकरियों को भी खाना दे दिया, सही है, फ्रूट काट के दिए, बहुत सारा पड़ा हुआ था इनको भी दे दिया। लेकिन ये नहीं है बड़ी हडराम, ये नहीं है, ये अपनी माँ के साथ नहीं खा रही। इधर आओ इधर आओ इधर, अपनी माँ के साथ खाओ, ये इतना डाला है उसको, वो दिन पर दिन फट भी हो, वो ये लोग बबलू का खा रहे हो, बबलू इसको कुछ बोलते ही नहीं। बबलू ये देखें अभी आवाज़ मारी आ जाएगा, बबलू
सुन ही नहीं, जंगली हो गया बबलू बिल्कुल। ये देखें तो माशाल्लाह दिन ब दिन शायद पकड़ भी, ये देखें दिन ब दिन अपनी हरकतें दिखा के कमज़ोर हो गई। कहाँ गया बबलू? वो सामने देखें, वो गया, वो गया, देखें दे रहे हैं ना, नज़र नहीं आ रहा वो सामने। एक तो हम गरीब हैं, मोबाइल भी हमारा कमज़ोर हो गया यार, इनको सारा कचरा दे दिया। अभी इसके बावजूद भी अगर इनका पेट नहीं भरता ना तो इसमें मेरा कोई गम या एक्सक्यूज़ या बिल्कुल कुछ नहीं हो गया। तो यार अभी इनको माशाल्लाह देखें, ये भी देखें बड़े बड़े रहने वाले लोग। तो यार ये देखें पपीता फुल लार्ज साइज़ में लाए हैं, फुल लार्ज साइज़ में। ये ख़राब है, अंदर से थोड़ा सा वाइट वाइट हो गया, तो इसका मसला अभी जगह कहाँ है, जगह इसको रख देते हैं भाई इस केज में तो रख नहीं सकते, इसको रख देते हैं कबूतर वाले केज में। पानी 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 आया हुआ है भाई, आज गलती से वाल खुला रह गया था, तो ये कुंडी कैसे खोलूँगा, चलें कोशिश करते हैं ऐसे फेंक ना दूँ इसको। तो कुंडी कैमरा एक मिनट के लिए बंद कर देते हैं। तो बबलू यार फिर से बाहर चला गया यार, गुस्सा दिला रहे बबलू ने, ये दिन पर दिन बदतमीज़ होया जा रहा है। एहतिशाम ने भाई यहाँ डेली कबूतर बंद करते हैं, हमारी कबूतर यहाँ अंडा तो नहीं गया, नहीं अंडा थैली लेके गई है, देखे आज दिन ब दिन कुछ ना कुछ लेके जाती रहती है। तो पपीता ये देखें वाइट वाइट दाग आया हुआ है। आज मैं हर किसी को ये दिखा रहा था, वो बोल रहा था इसको इतना बड़े को क्या करोगे भाई तुम लोग, वो बोल रहा था अगर तुम्हें घर ले जाना है ले जाओ भाई खाने का, वो बोलता था नहीं नहीं भाई ये खोलता था बोलता था यार ये अंदर से खवाज में, बोलता था अब नहीं खाना था, फिर मांग क्यों हुआ। तब ये इंशाल्लाह कल बकरी में भी लिए कटेगा और फिर मैं जाऊँगा, हमारे यहाँ फ्रूट वाले होते हैं ना कुछ फ्रूट खराब निकलते हैं तो वो हमें दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है हमारे पास बकरी है। तो आज उनको मैंने इतना फ्रूट खिलाया उसके बावजूद भी इनका पेट नहीं भरा ना, तो इसमें क्या बोलिए, देखें आंखें ऐसे लगे जैसे कि भूत आ रहा है, ये भूत आ गया, देखें आंखें कैसे चमक रही है इनकी, इधर ये देखें इसकी, इसने मही तर देखा, ये देखें यार ये दोनों भूत भूत भाई भूत, ये देखो भाई ये कैसे हैं इनकी आंखें कैसे, और ये दोनों एक साथ लगाएंगे, और तीसरा भूत भी आ गया। अबे ये बबलू को पता नहीं क्या आदत हो गई है भाई, ये चीखता बहुत है बबलू, ऐसे नहीं चीखो माशाल्लाह से, देखो इसका पेट में बिल्कुल खड्डा नजर नहीं आ रहा, दिन ब दिन हाथी बन रहा है लेकिन खाए जा रहा है, लेकिन ये कि चीख रहा बहुत है, तो पता नहीं क्यों यार इसको अभी भी मुंह चल रहा है, देखें इसका मुंह चल रहा है। बबलू बताओ ना तुम खाते दिन में बहुत हो, ये देख मैं यहाँ भी खरबूजा लगाया हुआ, गीला हो क्या है इससे, मेरे ख्याल से पानी पिए यार, टोपी मोपी इन लोगों ने मेरी सब टेढ़ी कर दी, दरवाज़ा बंद करते हैं। इनकी माँ सही है, एक जगह पे बंदी रहती अपना खाए पीती, अभी इन लोगों ने इतना वेस्ट किया है ना, ये देखें कितना वेस्ट किया, बस अल्लाह का शुक्र है कि खरगोश पाल ली है मैंने, ये देखें खरगोश पाल ली है, खरगोश खा लेते हैं ये वेस्ट, वरना यकीन करेंगे मेरे को तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये माशाल्लाह माई वाली बकरी भी जान पकड़ ली है ये वाली, देखें बस अल्लाह करे इतना अमीर हो जाऊँ ना कि इनका चारा नहीं ख़त्म हो मेरे पास, खिलाता हूँ बस खाते रहें। अभी इनका देखें ये लोग क्या है, ये जब मैं लाया था ना ये पेयर था, जैसे ये साफ सुथरा है ना वैसे ये भी साफ सुथरा था, लेकिन इनको इतना गंदा रहता है ना, ये क्या कर दिया इन लोगों ने, ये लोग भी खल खाने आए लेकिन खल एंड में बची हुई, इसको थोड़ा बीच में लाते, ये लो ये तो ये लोग खाने में मसरूफ़ है भाई, तो हम लोग भी इनको मसरूफ़ रहने देते हैं कि लोग अपना खाते में पीते में। तो माशाल्लाह बस बकरी के कुछ ही दिन रह गए, जिससे पूछता हूँ बोलता है बस कुछ ही दिन रह गए, पता नहीं है कुछ दिन किस में ख़त्म हो गए, जब हम इसको लाएंगे थे ना जैसे इसकी यहाँ हड्डियाँ नजर आई वैसे इसकी यहाँ थी, लेकिन माशाल्लाह से आप देखें ये भी भरा हुआ, लेकिन बच्चे पता नहीं कब देगी इसका कोई आइडिया नहीं है, गलती से भी हमें आइडिया नहीं है, तो यार क्या बोल सकते हैं। तो यार बकरी को खोल कर मेरे ख्याल से मैं वहाँ बांध देना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैंने बांधा है बार बार नहीं, इससे बाहर अंदर वो भी एक गला फंस गया तो मसला हो जाएगा। इधर आओ तमीज़ से आओ, ये देखो एक तो जोर माशाल्लाह इतना है ना इसमें, टन मारो ये भी आओ बस बस चुप करो ये बसी ये देखें अभी रस्सी का स्टाइल चेक करना है, यहाँ रखिए इसमें ये अपने मुत्तु स्वामी करने में लगी हुई है, जब तक मैंने इसकी रस्सी टाइट कर दी, अब ये तो खुल गई, नहीं खुली पक्की हो गई, अब कहीं भी जाना है तो चली जाओ,
तो यार इस व्लॉग को भी एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्त मस्त करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके फिर।